हाय गाइस, हमारे नए चैनल एज इट इज़ में आपका खैर मकदम है। इस चैनल में हम टेक रिव्यू करेंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू करेंगे इन अ मोस्ट ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट वे, जिसमें कोई बायसनेस नहीं है। वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट एज इट इज़। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स डाइव इन टू इट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1300 दिन बाद भी क्या हम वन प्लस 7 प्रो को यूज कर सकते हैं। Over the last few weeks, I've come to a bit of a realization that if you have a budget of up to $400, then there's probably no better phone on the planet than the OnePlus 7 Pro. Hey, what's up guys? MKBHD here. It's the OnePlus 7 Pro, and it's also so far my favorite phone of the year 2019. तो सबसे पहला चीज जब आप इस फोन को देखते हैं, जो हमें दिखता है वो है इसका फॉर्म फैक्टर। आप अगर इसे ध्यान से देखें, इसे आप किसी भी दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर करें, कोई फ्लैगशिप फ़ोन के साथ कंपेयर करें, तो ये फ़ोन एक ऐसे ग्लास बैक से बना है। ऑफ कोर्स सामने का स्क्रीन तो ग्लास होगा ही, एंड द बैक इज़ आल्सो ग्लास, एंड द फॉर्म फैक्टर जो मैं बात कर रहा था, ये ज़्यादा चौड़ी फ़ोन नहीं है। दिस इज़ अ स्वीटली डिज़ाइंड फ़ोन जो आपके हाथों में परफेक्टली फिट हो जाए, आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो फ़ोन को यूज़ करने में। लंबाई में सही है, चौड़ाई में एकदम परफेक्ट है, तो दिस सेटल्स इन योर पाम वेरी परफेक्टली। नाउ ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल फॉर्म फैक्टर और लुक्स। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पे। दिस इज द फर्स्ट डिस्प्ले टू सपोर्ट 90Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन। बट ये जो आप देखते हैं, इतनी स्मूथ ट्रांजिशंस हो रही हैं, इतने स्मूथली ये स्क्रीन में आप स्क्रॉल कर पा रहे हैं, द रीजन इज इट सपोर्ट्स अ 90Hz रिफ्रेश रेट। और अब आते हैं इसके कर्व्ड सरफेस पे। ये इतनी शानदार तरीके से बनाई गई है कि इसका लुक एक प्रीमियम लुक है। आप इसको आज के डेट में भी अगर कहीं यूज़ करते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर पीपल विल आस्क यू कौन सा फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं। मेरे साथ हुआ है कई बार ऐसे, आज भी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एज अ डेली ड्राइवर। अपनी डेली लाइफ में मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और आज भी लोग मुझे पूछते हैं कि ये कौन सा फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं। सो दिस गिव्स यू अ वेरी प्रीमियम लुक। एंड दूसरी बात यह है कि इसकी बैटरी लाइफ, जब ये लॉन्च हुई थी 3.5 साल पहले, 4000 mAh वाली बैटरी इसके साथ आई थी। आज 3.5 साल बाद भी इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा तो ख़राब नहीं हुई है, थोड़ी बहुत तो डिग्रेड होगी ही। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट को, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को 3.5 साल से हर दिन सुबह शाम रात यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी बैटरी तो थोड़ी बहुत घटेगी ही, इसकी लाइफ स्पैन तो कमेगी। दैट्स नॉट एन इशू। आज भी मैं सुबह इसे चार्ज करके काम पे निकलता हूँ, और जब मैं रात में वापस सोने के लिए आता हूँ, तब मुझे इसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो इट आई एम वेरी कूल विथ इट। नाउ कमिंग टू द कैमरा, अगर हम इसे कैमरा में देखें, तो ये अपने समय में भी एक बहुत ज़बरदस्त कैमरा हुआ करती थी, और आज के टाइम में भी जब अगर आप इसे देखें, तो आज भी ये एक बहुत अच्छी कैमरा फ़ोन है। इट कैन स्टिल कम्पीट विथ आईफोन 12, 11 एंड बहुत सारे दूसरे फ्लैगशिप वाले फ़ोन्स के साथ भी आप कम्पीट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्राइस रेंज में, कौन से प्राइस रेंज में, हाँ जी 3.5 साल बाद आज भी ये फ़ोन आपको लिस्टेड दिख जाएगी फ्लिपकार्ट में। लगभग अराउंड 40,000 रुपये के आसपास उसकी लिस्टेड प्राइस है फ्लिपकार्ट में, बट वो आपको आसानी से मिलेगी नहीं, बिकॉज वो सोल्ड आउट ही दिखाएगी। आज भी इस फ़ोन का वैसा क्रेज़ है, एंड वो इसलिए है बिकॉज जो वन प्लस के फैंस हैं, वो इसे आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले करते थे। अब आते हैं इसके स्टोरेज पे। ये वाला जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ अ 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम, और आप
इसमें देख सकते हैं कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन 12 है, राइट? सो डेफिनेटली ऑब्वियसली ये गूगल का फ़ोन तो नहीं है कि इमीडिएटली अपडेट आते ही इसमें आ जाएगा, थोड़ा समय लगता है. वन प्लस हैज अश्योर्ड कि 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे वो. बाकी सारे फीचर्स पे मैं डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये कोई फीचर बताने वाला तो रिव्यू नहीं है, आपको मालूम ही है 3.5 साल पुराना फ़ोन है. बट हाँ, ये मुझे क्यों पसंद है और आप में से बहुत लोगों को भी पसंद होगी, या आप अगर कंसिडर कर रहे हैं ख़रीदने के लिए इसे, अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है लेकिन आप एक प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ स्टिल एन ऑप्शन फॉर यू. ये 2019 में जब लॉन्च हुई थी तब ये एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन थी, और आज भी इस डिज़ाइन को एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन ही माना जाता है 3.5 साल बाद, बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले एंड द स्क्रीन्स रिफ्रेश रेट ऑफ 90 हर्ट्ज. यस, एक और ख़ास बात बताऊँ, इसमें ऑफिशियल IPX रेटिंग नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे वाटर बॉडी के आसपास यूज़ कर सकते हैं. मैंने खुद इसे यूज़ किया है बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के, जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक वाटरफॉल एरिया में गया था विज़िट के लिए, और वहाँ पे हमें वीडियो शूट्स करने थे, रिकॉर्ड करने थे, तो सबको ही अपने अपने फ़ोन्स निकाल नहीं पा रहे थे बिकॉज उन्हें एक डर था कि पानी लग जाएगा तो ख़राब हो जाएगा. बट मुझे बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के, आई कुड यूज़ माई फ़ोन वेरी वेल विदाउट एनी प्रॉब्लम. सबसे ज़्यादा मज़ा आया उस वाटरफॉल के पीछे जाने में, दैट वाज अमेजिंग. लेट मी टेक यू देयर. Is by far the best natural shower that anyone can ever take. I'm just feeling so rejuvenated. So this is how it is, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो definitely consider subscribing to my latest channel as it is.